साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों आज एक नए टॉपिक पे अपन बात करने जा रहे हैं कि कई बार यहां से लोग विदेश जाते हैं, कई उनका वीजा मान लीजिए 2 साल के एग्रीमेंट पे गए, फिर आपका कंपनी वीजा रिन्यू क्यों नहीं करती, इसका रीजन क्या हो सकता है। बहुत सारे रीजन होते हैं जो आप लोगों को जानना जरूरी है। अगर कई बार ऐसी मुसीबत आ जाए तो आप लोग इनसे अगर आपको पहले से पता होता है तो थोड़ा बच सकते हैं। समझ रहे हो बात को, कंपनी आपका वीजा क्यों रिन्यू नहीं करना चाहती। कई बार क्या होता है, आज कंपनी में गए लोग 10 साल 20 साल 30 साल एक ही कंपनी से रिटायर होके आ जाते हैं। कई बार क्या होता है, कंपनी जाते 2 साल का अग्रीमेंट हुआ फिनिश कर देती है, भैया घर जाओ, दूसरे वीजे में जाओ, फिर लाख रुपए खर्च करो, फिर एजेंटों के चक्कर में पड़ो, मतलब हर बार नई शुरुआत करनी पड़ती है। तो इसके रीजन क्या हो सकते हैं, कंपनी वीजा रिन्यू अगर नहीं करवाती है तो क्या बोलती है, सर हमारे पास काम नहीं है, वर्करों को नोटिस दिया जाता है हमारे पास काम नहीं है, आगे वीजा रिन्यू नहीं होगा। ठीक है साथियों, दूसरी बहाना ये भी हो सकता है कि आपकी उम्र ज्यादा हो गई, आप प्लीज अपने घर के लिए रवानगी लें, ठीक है, आपकी जगह दूसरा बंदा हम हायर कर लेंगे, ये दूसरा रीजन हो सकता है। तीसरा रीजन क्या हो सकता है, आपका सर्विस रिकॉर्ड सही नहीं है। कई बार वहां जाने के बाद वर्कर भी मारपीट कर लेते हैं, दारू पीना, काम पे सही नहीं जाना, साथियों से झगड़ा करना वगैरह वगैरह, कई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसका रिकॉर्ड फिर सही नहीं होता, तो ये भी एक आपका वीजा रिन्यू नहीं होने का एक रीजन हो सकता है। पांचवा रीजन इसमें यह हो सकता है, कंपनी में वर्कर ज्यादा हैं। जी हाँ साथियों, कई बार मान लीजिए कंपनी में 20,000 वर्कर हैं, कंपनी के पास काम कम है, तो वो फिर आगे वीजा रिन्यू उनका नहीं करेगी। जैसे ही उनका वीजा एक्सपायर होगा तो वो उनको लिए पहले से 1 महीने पहले घर हिसाब देके भेज देती है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। छठा रीजन है, अभी आप घर जाओ, जरूरत होगी आपको 3-4-6 महीने बाद दोबारा बुला लिया जाएगा। वीजा कंपनी रिन्यू नहीं करना चाहती तो ऐसा बोल के उनको घर भेज देते हैं, उनको ये लगता है हाँ कंपनी दोबारा बुला लेगी, भैया दोबारा फिर कोई नहीं बुलाता। ठीक है, सातवां पॉइंट इसमें है, आपको दूसरी साइड प्रोजेक्ट पे भेजा जा रहा है। कंपनी का ये सबसे बड़ा पॉइंट है, माइनस पॉइंट है, कि बहुत सारी कंपनियां लोगों को बेवकूफ बना के घर भेज देती है, उनको बोलती है अपने सामान बांधो, आपको दूसरी साइड पे भेजा जा रहा है, फिर पता लगे डायरेक्ट एयरपोर्ट पे। ऐसा भी होता है, ऐसे बहुत सारे केस मेरे सामने आए हैं जिनको कंपनी, उनको एयरपोर्ट पे पता लगता है अपने को कंपनी घर भेज रही है, ऐसा भी होता है। वो कब होता है, जब कहीं ना कहीं वर्कर में मिस्टेक होती है तब कंपनी अचानक से उनको भेज देती है। 2 साल का एग्रीमेंट खत्म हो गया, भैया टाटा बाय बाय, घर के लिए रवानगी, ऐसा भी होता है। 2 साल का कंपनी के साथ एग्रीमेंट था, कंपनी ने 2 साल रखा, फिर वीजा रिन्यू नहीं करवाती, वो घर भेज देती है, ये भी एक रीजन होता है। भैया अग्रीमेंट खत्म, मामला खत्म, दूसरा वीजा अगर फिर आप दोबारा से शुरुआत करोगे, दोबारा वही लाख रुपए एजेंटों के चक्कर में 6 महीने इधर उधर, अगर उसी में कंपनी आपका वीजा रिन्यू कर देती है तो आपके लिए बहुत खुशी की बात होती है। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको पॉइंट बताएं, 7 पॉइंट बताएं कि कंपनी वीजा रिन्यू नहीं करती है तो ये सिस्टम हो आपके साथ हो सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसी घटना हो तो पहले से थोड़ा सतर्क रह के अपना वीजा लगवाने की कोशिश आप कर सकते हैं, किसी सेटिंग से, सीनियर मैनेजर से, प्रोजेक्ट मैनेजर से, इंजीनियर से, फोरमैन से, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लें ताकि नई नोटिफिकेशन नई वीडियो के साथ आपको समय पर मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।